Construct Productions. Hey. হ্যালো, হ্যাঁ বাবু, আমি এই একটু ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা টাকা করে একটু কথা আছে, কথা বলে আমি বাড়ি যাচ্ছি, তারপর গিয়ে তোমাকে কল ব্যাক করছি। ঠিক আছে, বাই, লাভ ইউ, টাটা, বাই। হ্যালো, হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, কাহাঁ পর হ্যায় আপ? পিস, প্লিজ। হ্যাঁ, সমঝ গিয়া, ছোড় দিচ্ছি, আমি যা রে, রুকিয়ে। ডাক্তারবাবু, কেসে বেড যাও, এই বেড যেতে, আরে বাপরে, লে লিয়া, পেপারটা ধরে দিয়ে, কেউ ফোন রাখেঙ্গে না? ঠিক আছে, বলিয়ে কেসে আচ্ছাই হ্যাঁ, বুড়ে কেউ হোঙ্গে, বুড়ে তো বুড়ো লোক হোঙ্গে। देखते हो क्या हुआ, क्लिनिक में नहीं गए, घर में कुछ हुआ क्या? इसका वजह कुछ और ही है। क्या वजह है? हाँ, अखी चूस को लो, मक्खी चूस जो सबका पैसा ले लेता है, वो मक्खी चूस उसको कौन नहीं पहचानता है, हुआ क्या? हाँ, उसकी वजह से तो मेरा ये हालत है। हाँ, एक बूढ़ा पागल सा आदमी। गोवर्धन और उनके दोनों बेटे। गोवर्धन इतना मक्खी चूस है कि कभी भी उसने घर में एक नौकर तक नहीं रखा, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे। उसने अपने बेटों को घर से विदा कर दिया, क्योंकि उन बेटों की परवरिश के लिए उसको पैसा खर्च करने पड़ेंगे। और बेटे भी मक्खी चूस निकला। रोज हर एक दिन चाय लेकर आते हैं दोनों बेटे, ये देखने के लिए कि गोवर्धन मर चुका है या नहीं। बाबूजी, बाबूजी, आइए। अरे आपके लिए चाय ले आइए, बैठिए बैठिए। देखिए डॉक्टर भी नहीं दिखाते है, तबीयत कैसा है? डॉक्टर दिखा लिया कीजिए उनसे। लीजिए चाय लीजिए, रखो रखो, पी लीजिएगा, शाम को या रात को लेने आ जाऊंगा। बात भी नहीं करने देते हैं, बंद कर दू? हाँ कर दो। बाबूजी। कौन? अरे आपका छोटा लड़का बाबूजी। आओ, चाय है बाबूजी। ये सब लाने का जरूरत नहीं। अरे नहीं बाबूजी, थोड़ा पी लीजिए, पी रखो। जी गए, आओ तुम, चला जाए। हाँ जाओ।
कौन? अरे हम बाबूजी। आ रहा है, रुको। आ रहा है, रुको। तबीयत ठीक है ना बाबूजी? चल रहा है। सोए थे क्या? हाँ, थोड़ा नींद आ गया था। रखो रखो। ये लीजिए आपकी चाय। जाओ जाओ जाओ। ये तो पुराना कागज है। तो क्या हुआ? इतना पुराना कागज आज क्यों पढ़ रहे आप? अरे बहुत कुछ याद दिलाने के लिए। फिर एक दिन बहुत प्रॉब्लम हो गया, समझा? सुना सर। एक दिन बहुत प्रॉब्लम हो गया, उसके बेटे एक दिन चाय लेके गए और गेट बंद है, खिड़की बंद है अभी तक। क्या बात है, अरे बाबूजी सुबह उठे नहीं क्या? अभी भी गेट बंद, ये भी बंद। बाबूजी, बाबूजी, क्या बात है, यहाँ पे भी नहीं है, ऊपर भी रखा हुआ है। ये 6 महीना पहले का पेपर। बाबूजी, 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 हेलो, हाँ गोविंद, हाँ भाई जल्दी आओ, बाबूजी को क्या हुआ पता नहीं, उठ नहीं रहे। हाँ 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 हाँ, अरे हम चाय लेके आए थे, उठ ही नहीं रहे, दरवाजा गेट सब खुला हुआ था। हाँ हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ पता नहीं क्या हुआ, जल्दी आओ, उसके डॉक्टर को भी बुलाना पड़ेगा। आओ आओ, हाँ हाँ लग रहा हूँ। गोपाल क्या हुआ, क्या हुआ गोपाल बाबूजी, क्या हुआ? जल्दी आओ, अरे उठ नहीं रहे, पता नहीं चला गया क्या, क्या पता, कुछ बताते भी। अरे यार डॉक्टर का फोन करो जल्दी, नंबर दो, नंबर दो। नहीं है तुम्हारे पास? नहीं नंबर नहीं है। क्या करते हो यार, कर लो ना। ओ तो तुम्हारे पास बैलेंस भी नहीं रहता है, मेरे में भी 40 पैसा पड़ा हुआ है, जल्दी दो, क्या करे। ये लो, ये वाला नंबर, ये वाला, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो, हाँ डॉक्टर बाबू, हाँ हाँ जल्दी से थोड़ा आइए ना। हाँ 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 हम लोग, हाँ गोवर्धन जी के घर पे, हाँ उनका बड़ा लड़का बोल रहे हैं गोविंद। हाँ हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए। हाँ हाँ क्या बोले डॉक्टर? हाँ अरे रखो, पानी क्या हो गया सडनली, हाँ के मैं देखा तो इसी तरह पड़े हुए हैं, ये दरवाजा भी आज बंद नहीं था, खुला ही हुआ था।
अरे डॉक्टर कितना देर में आएगा? बोले तो आएंगे, अब आ जाएंगे, रुको। तुम्हें कुछ बताए थे कल, तुम चाय देने आए थे ना? हाँ। तो बताए थे पैसा के बारे में, संपत्ति सब कहाँ पहना है कुछ? नहीं तो कुछ बता के भी नहीं है, इतना पैसा इतना संपत्ति क्या होगा मेरी चल वैसे? तो ढूंढेगा, ढूंढना तो पड़ेगा ही। अरे पता है कल फोन करके रात को बोले थे बीड़ी लाने, सोए है। लाए है क्या तुम? ना हम पैसा कहाँ दिए, पर ये पहले का पैसा मांग रहे थे, इनका एक रुपया लेके क्या करूँ, पूरा तो संपत्ति गहना क्या कहाँ पे कुछ बताया भी नहीं, रख दूँ इनका एक रुपया रहे इनके पास ही। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर बाबू भी नहीं आ रहे हैं। और एक बार फोन लगा दो तू। हेलो, हाँ डॉक्टर बाबू जल्दी आइए, हाँ आइए आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, हाँ जल्दी से। पैसा कहाँ रखते है पता है? नहीं। कहना इतना संपत्ति, ये भी तो नहीं बता के गए कि कहाँ कहाँ पे कितना संपत्ति है। दिखने में तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनते, लेकिन पैसा बहुत है, क्या बोलूं भाई, बहुत पैसा है इनके पास। चल ढूंढते हैं। रुक पहले डॉक्टर उसे दिखवा लेते, कहीं अगर देखे डॉक्टर आने कहीं जिंदा हुए तो फिर लास्ट में देखना हम दोनों को पीट के निकाल देंगे। आने दे डॉक्टर को, आने दे, लगते नहीं है कि है। देख तू एक बार देख तो, देख के लग रहे है क्या? समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है चले गए। चल बसे, आने दे डॉक्टर बाबू को, कितना वेट करे डॉक्टर बाबू का, अभी तक आ नहीं रहे। फैन तक नहीं चलाते है देख। वही तो देख रहे। आइए डॉक्टर बाबू, आइए 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 डॉक्टर साहब, जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे देखिए ना बाबूजी का क्या हुआ? क्या हुआ पता नहीं डॉक्टर, जल्दी आइए जल्दी आइए। देखिए देखिए क्या, समझ नहीं आ रहा क्या हो गया अचानक से, क्या हुआ क्या पता अचानक से। देखिए तो सही, आइए आइए बैठिए बैठिए, अब बैठिए, हम ये सब हटाते हैं मोबाइल, बैठिए। पंखा नहीं चल रहा है। अरे आपको तो पता है इनके बारे में, क्या बताओ, पता ही है आपको सब कुछ। ठीक है ठीक है, अभी अभी चला दे तो, अभी चला दे। बैठिए बैठिए बैठिए। मर गया? हाँ मर गया शायद, लगता तो। आप बैठिए, आप देखिए, आप देखिए, आप ही बता पाइएगा, आपको समझ नहीं आ रहा है। अरे ये क्या, ओहो ये भी नहीं, तो नहीं छोड़ेगा। क्या करते हो तुम लोग? ये तो मर गया। अरे बाबूजी मर गया? हाँ मर गया। ऐसा मत बोलिए। अरे ये मर गया, अरे तुम लोग देखते नहीं है, देखो ये हाथ ऐसे कर कर मर गया। गोपाल मर गया, चलो इसका बॉडी को नीचे रखो। हाँ इसके बॉडी को नीचे रखो। आपको कुछ पता है इनका सारा पैसा खजाना कहाँ है? पैसा कुछ नहीं बता के हम लोगों को। हाँ तुम लोग तो बेटे हो ना उनके, लेकिन आपको तो पता ही निकाल दिया घर से। निकाल के वो तो नौकर को भी निकाल देगा, वो बक्की चूस था ना तेरे तुम लोगों का बाप, मर ही गया। नर्स भी नहीं चला, तो क्या मर गया? ये गया छोड़ो, पैसा और खजाना का क्या होगा? हाँ पैसा, चलो अभी क्या करना, अभी क्या करना पड़ेगा ये बताइए। इसको बॉडी को साइड करो, मतलब वो नीचे रखो ना। चलो इसके बॉडी को नीचे रखो। चलो आओ गोपाल, चलो 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 उधर उधर पकड़ो।
छोड़ दे एक तकिया दे दो इसको, एक तकिया दे दो। ये नहीं, वही वाला दे। वही वाला दे। ठीक है, सब दे दे। हाँ। वो का है? अरे क्या है वो? अरे छोड़ नहीं, ये छोड़, ये मेरा है। नहीं भैया, ये क्या है? वो तो बहुत पूछे। एक मिनट उतर आओ छोड़ ले क्या उसको? मक्खी चूस इधर किधर में खाला ये सब? दिखा कितना खजाना है, दिखाओ मेरे को, दिखाओ। तो नहीं लोगे? नहीं मैं नहीं लूंगा, दिखाओ इसको। ना रखा है? अरे ये तो सोने का है। ये भी है सोने का। अरे इतना सब कुछ सोने का, सब डायमंड। ये मक्खी चूस तो बहुत खजाना छुपा कर रखा था। अरे अच्छा हुआ मैंने देखा, खुलता कहाँ से है? ये देख कैसे बंद करके गया, कितना सब डब्बा दिया है। कहाँ से खुलता? ट्राई कर। एक मिनट होल्ड करो, ये सब मेरा है, मुझे मिला है। नहीं ये मेरा है। इसका फैसला कैसे हो गया तुम्हारा? ये मेरा है, तो मिला मुझे। देखो ये तुम लोगों का शायद नहीं है, तुम्हारे पापा तो नहीं देखे गए ना? तो हम लोग तो पापा के संतान है, तो हम लोग का होगा ना? नहीं लेकिन देखो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखे तो कैसे होगा ये? नहीं ऐसा कोई कानून नहीं है कि तुम ये सब रख सकते हो। अब डॉक्टर ये कानून मत सिखाइए। अरे देखो आपको आपके पैसा मतलब आपको दे देते हैं, पैसा दे देते बस। आप भी अपना मुंह बंद रखिए। नहीं देखो ये तो एक लाश है ना, तो इसके सामने ऐसा इसको छोड़ो ना, जला देंगे अभी जाके, हो गया। हाँ वो तो ठीक है लेकिन ऐसा ये गैर कानूनी है। करेगी आप क्या बोलना चाहती है? नहीं क्या कहना चाहती है? मैं देखो तुम लोगों में से कोई ठीक कर सकता है कि कौन लेगा ये? हाँ हम लेंगे। और हम लेंगे। देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो एक डॉक्टर हूँ ना। हाँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखो मेरा जो ग्रैंडफादर था, बाबूजी था, ठीक है, वो बोला कि मेरे को कि जो लोग मक्खी चूस होते हैं ना, वो लोग के पेट में अगर ये सब गहना रख दो तो वो उठकर तुमको बोल देगा कि उसको कौन को देना है। कॉइन याद है? लग रहा है कॉइन के टाइम, कॉइन में भी ऐसा हुआ। कॉइन आवाज तो देखे ना सिर पे था, कैसे उछले। अरे हाँ ऐसा ही होता है, ये मक्खी चूस है ना। पर मैं नहीं रखूंगा, ये जैसे उछल रहा है मैं नहीं रखूंगा, अगर मुझे गिरा दिया। ठीक है हम रखते हैं। ठीक है हम नहीं लेंगे। ठीक है आप ही रखिए, आप ही तो बांधो। मुझे मिला है सर, मेरा नाम ही लेंगे देखना। नहीं मेरा नाम देख लेंगे। छोटा लड़का है, मेरा ही नाम लेंगे पापा। बाबूजी ये तकिया रख देने। बाबूजी डॉक्टर बाबू कुछ कीजिए ना जल्दी। करते खजाना रखिए डॉक्टर बाबू। हाँ पूछिए ना, पूछिए जल्दी पूछिए। ये दो संतान है तुम्हारे, इसमें से तुमको किसको देना चाहते हो? बाबूजी हम लोग गोविंदा गोपाल, किसे देना है? हमको दे दीजिए बाबूजी। हमको हम छोटा लड़का है बाबूजी, हमको दे दीजिए, हमको देंगे हम। मालूम है बाबूजी। अरे बाबूजी कहाँ हुआ भाई साहब? ये मर तो गया ना, मक्खी चूस आदमी था बाबूजी। और आप तो बोले किसी को देंगे, ये क्या हुआ? बाबूजी।
बाबू बाबू पानी लेकर आया। साला मक्खी चूस गोवर्धन, स्टोरी सुनाया फिर भी यही हाल है। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये मूवी अच्छा लगा हो, और आई होप कि अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें कि हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार।